गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर सर्कल के अंदर। कल हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या देखा था, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तक देख लिया था। लास्ट जो टॉपिक था वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोगों ने देखा था। उसके पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते वो भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है उसी सीरीज के अंदर वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, एस इज इक्वल्स टू जीरो, इसका सेंटर होगा कुछ भी, एक सर्कल में कंसीडर कर रहा हूं, एस विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये मैंने क्या किया, एक सर्कल कंसीडर किया है और एक पॉइंट p में कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज x1 कॉमा y1, दैट इज आउटसाइड द सर्कल। कहां पे कंसीडर कर रहा हूं मैं, सर्कल के बाहर मैं एक आउटसाइड पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। तो इस पॉइंट से टोटल 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है, सर्कल के ऊपर। वो कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं, जैसे ये मान लो मैंने एक सर्कल, ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट P है x1, y1, ठीक है, ये है अपना पॉइंट x1, y1 और ये अपना सर्कल है, ये इसका सेंटर है। और हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सो अगर मैं C को A के साथ मिलाऊं और C को B के साथ मिलाता हूं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है ये परपेंडिकुलर? तो हमें ये तो पता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, उसकी लेंथ सेम होती है। क्या होती है, लेंथ सेम होती है, लेकिन वो लेंथ कितनी होती है ये हमें निकालना है, वो लेंथ कितनी होती है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखो स्टूडेंट्स, ये अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है, यानी कि इसका सेंटर आपको पता है माइनस जी कॉमा माइनस एल, और इसका रेडियस भी हम लोगों को पता है, वो क्या होता है, हम लोग को याद है जनरल इक्वेशन से, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, इसका क्या रेडियस। तो ये अगर इसका रेडियस है, देखो ये रेडियस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर मैं सी को पी के साथ जॉइन करूं, सी को पी के साथ जॉइन करूंगा, तो देखो ये ट्राइंगल जो है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं सी ए पी, इसके अंदर एक एंगल 90 है, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल सी ए पी हाइपोटेन्यूस कौन से डिस्टेंस है, वो ये है देखो 90 के अपोजिट वाली साइड CP, तो CP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये AP की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं CP का स्क्वायर क्या होगा। देखो CP जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर में फट जाएगा। तो CP का स्क्वायर क्या आएगा, देखो x1 माइनस ऑफ माइनस दिखाने के x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऑफ माइनस f, दैट इज y1 प्लस f का स्क्वायर, सही है। ये क्या आया अपने पास, ये आया हम लोगों के पास ये डिस्टेंस cp स्क्वायर इज इक्वल्स टू ca, कितना है ca का स्क्वायर, ca जो है वो रेडियस है, तो उसका स्क्वायर, सी ए की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, और ये है प्लस ए पी का होल स्क्वायर, सही है। अब ये क्या बन जाएगा, देखो इसको ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगा, देखो क्या बनेगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस जी स्क्वायर, सही है। मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया, सिमिलरली ये भी ओपन करो, क्या बनेगा, y1 का स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस f स्क्वायर,
और राइट हैंड साइड में क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और प्लस ए पी स्क्वायर भी है, सही है। तो देखो एफ स्क्वायर जी स्क्वायर और इधर भी है एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर कैंसल आउट हो गए। अब देखो क्या क्या चीजें बच गई अपने पास, ध्यान से देखोगे तो क्या क्या चीजें बची है अपन अपने पास, ए पी स्क्वायर को उधर रख देता हूँ, ये माइनस सी को इधर ले आता, तो इधर देखो क्या क्या बचेगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन और ये माइनस सी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस सी इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, ठीक है ए पी का स्क्वायर। तो ए पी कितना आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस यानी कि एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, सही है। ये आ गया अपना क्या ए पी। तो अगर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये सर्कल की ही इक्वेशन है विद सम मतलब किसी पॉइंट पे, तो एक्स वन कॉमा y1 हमने सर्कल की इक्वेशन में अगर रखेंगे तो ये मिलेगा, यानी कि AP जो होता है वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ s1। आई थिंक आई वाज क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s1, ठीक है। s1 क्या है सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करना है जहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा s1, आई बस समझ में। तो ये हो गई बात अपने किसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट की। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है शायद सेवेंथ नंबर का टॉपिक दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अभी हमने देखा ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसमें भी दो टेंजेंट लिए थे, तो पेयर ऑफ टेंजेंट अगर हमने क्या लिया एक सर्कल कंसीडर किया है जहां से एक आउटसाइड पॉइंट से अपन टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे तो ये आउटसाइड पॉइंट P है इन x1 कॉमा y1 दिस इज गिवन, इसका सेंटर C है ये कंसीडर करो, A है ये कंसीडर करो, B है इसका सेंटर समथिंग होगा। तो क्या क्या गिवन है वो अपन को सर्कल की इक्वेशन गिवन है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्या गिवन है अपन को सर्कल की इक्वेशन, और एक पॉइंट भी गिवन है दैट इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, ये पॉइंट हम लोगों को गिवन है जहां से क्या कर रहे हैं हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो दो टेंजेंट है इन दोनों टेंजेंट की पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने पास आएगी, देखो मैं बता रहा हूं पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आती है दैट इज s into s1 is equals to t2, s into s1 is equals to t2। अच्छा हम ये ज्यादा ध्यान से देखें तो ये एपी लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एपी लाइन की इक्वेशन हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे, देखो ये पॉइंट हम लोगों को पता है, ये पॉइंट हम लोगों को पता है और क्या क्या चीजें हम लोगों को पता है, देखो ये पॉइंट अगर हम लोगों को पता है और ये लेंथ भी हम लोगों को पता है कितनी है, ये लेंथ कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ एस वन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है स्क्वायर रूट ऑफ एस वन और ये डिस्टेंस हम लोगों को पता होती है सर्कल की इक्वेशन से, ठीक है ये डिस्टेंस भी क्या होती है सर्कल की इक्वेशन से पता होती है। तो यहां पर हम लोग ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन
निकाल लो। मान लो पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा है, पेयर ऑफ टेंजेंट पूछा है तब तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। इसके अंदर एस क्या है, एस जो है वो सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, और एस वन क्या है, एस वन जो है वो सर्कल की इक्वेशन जो हमने निकाला था ना स्क्वायर रूट ऑफ एस वन, वही एस वन है। एस वन क्या करना है, एक्स वन वाई वन की वैल्यू पुट करनी है एक्स और वाई की जगह, ठीक है, इस सर्कल के अंदर। एस इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना तो हम लोगों को आता ही है, क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस टू जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस टू एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होती है किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। तो अगर वो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हम लोगों को पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मिल सकती है आराम से, आई कि नहीं आई बस समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन सिर्फ एक टेंजेंट की, ओके। आई बस समझ में स्टूडेंट्स, सो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, s into s1 is equals to t square, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट p, ओके। सो ये बात हो गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है अपना क्या नेक्स्ट टॉपिक। यानी कि अगर मान लो हम लोगों को क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, सर्कल दे रखा है, इससे हमने क्या किया था, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे, ये मान लो P पॉइंट था, ये A था, ये B था, P पॉइंट ये मान लो इसका इसका सेंटर है ये, ठीक है। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो दो पॉइंट पे वो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट होंगे सर्कल के ऊपर, उन दोनों पॉइंट को अगर हम जॉइन करें, क्या करें, इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग क्या कर दें जॉइन, तो कॉर्ड एबी हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉर्ड एबी, दैट इज ऑफ, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है ये, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या है ये, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं लोग, किस तरीके से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे, देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए ना सबसे पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ए पॉइंट्स, ए और बी, कौन से पॉइंट्स, ए और बी। तो ये ए और बी पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ये A और B पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, हम लोगों ने एक फॉर्म पढ़ा था याद होगा आप लोगों को, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का, जिसके अंदर स्लोप वाला फॉर्म यूज करते थे, टेंजेंट का स्लोप यूज करते थे ना, तो उसमें आता था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, याद है आप लोगों को क्या आता था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो उसमें दो एक प्लस और एक माइनस के साथ हमने लिया था ब्रैकेट के अंदर, तो वही जो दो पॉइंट है ना वही है ये दोनों पॉइंट, अगर उसका यूज करके मान लो अगर ये दोनों की इक्वेशन हम लोगों के पास आ गई, ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन, यानी कि उसका स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं ए और बी, अगर ये और ए और बी पॉइंट्स आ गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फाइंड points of contact, first find points of contact and then use
distance formula, then use distance formula. ओके इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. नोट दिस डाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की. हम लोग अभी ये हमने देखा कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ है वो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, और क्या निकाले. अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर इक्वेशन पूछी जाएगी, मान लो ये P पॉइंट है x1, y1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज AB, उसकी अगर मान लो इक्वेशन पूछी जाएगी, इक्वेशन ऑफ AB, ठीक है, तो AB लाइन की इक्वेशन जो है वो ये होगी. देखो ध्यान से, वो होती है x1 plus 2g x1 plus 2 fy1 plus sorry 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 यहाँ पर बढ़ कर दिया मैंने 2g x1 नहीं है plus g times x plus x1 plus f times y plus y1 plus c is equals to 0. आई बात समझ में? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये कुछ कुछ मिलती है अपने टेंजेंट की इक्वेशन से. ये टेंजेंट की भी इक्वेशन थी, लेकिन टेंजेंट की जब हम इक्वेशन लिखते थे तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखते थे. इस पे पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 जो किस पे होता था, सर्कल के ऊपर होता, लेकिन यहाँ x1, y1 कहाँ है, बाहर. तो अगर ये x1, y1 यहाँ पर आ जाए, तो क्या होगा, तो होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी. आई कि नहीं आई बस सर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो ये हो गया अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के अंदर मेन चीज जो क्या है, वो या तो ये इक्वेशन निकालना, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालना, या फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ निकालना. आई बस समझ में? एक और तरीके से आप लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इस परपेंडिकुलर की लेंथ p है, तो ये AB की लेंथ कितनी हो जाती है, तो याद होगा आप लोग, 2 square root of r, इस पर r इज रेडियस, ठीक है, ये r है ये p है, तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 square root of r square minus p square. और टेंजेंट की इक्वेशन तो हम लोग, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन तो हम लोग ये निकाल ही सकते हैं. तो हम लोगों को ये a और b पॉइंट्स नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये ab की लेंथ और इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ab निकाल सकते हैं. आई बस समझ में? ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गई बात कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज डायरेक्टर सर्कल. ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब ये क्या है डायरेक्टर सर्कल, क्या डायरेक्टर सर्कल किसे कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल किसे कहते हैं, जैसे कि मान लो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसका सेंटर समथिंग, ठीक है, दिस सर्कल इज x इज इक्वल टू 0. तो डायरेक्टर सर्कल हम लोगों को कैसे मिलता है, जब जब हम ऐसे पॉइंट्स का लोकस ले, ऐसे पॉइंट्स का क्या ले, लोकस ले, जो क्या हो, जो अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे उन पॉइंट्स से, तो वो जो टेंजेंट्स जो बनेंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
क्योंकि मान लो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया इसके ऊपर, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है यहाँ से, तो ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये पॉइंट सपोज करो x1 कॉमा y1 है, क्या है x1 कॉमा y1 है, तो इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ये सर्कल हम लोग मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड सर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, s into s1 is equals to t square, s into s1 is equals to t square, तो s क्या है, इस पर उधर लाओ, s जो है वो है x square plus y square minus a square, ये है s, और s1 क्या हो जाएगा, ये इसके जगह x और y की जगह क्या पुट करेंगे, x1 y1, तो ये हो जाएगा x1 square plus y1 square minus a square is equals to टेंजेंट का स्क्वायर, क्या टेंजेंट का स्क्वायर, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, इस पे फ्रॉम एनी पॉइंट x1 कॉमा y1, टेंजेंट की इक्वेशन होती है x x1 प्लस y y1 माइनस a स्क्वायर, सही है, ये होती है किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन, इसका क्या लेना है हम लोगों को, स्क्वायर, क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, अब जो ये हम हमारे पास आई है टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, अगर ये पेयर ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर है, आई कैन इमेजिन में ये सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो क्या होंगे, जहां से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो वो जो लोकस ऑफ पॉइंट्स हम लोगों को मिलता है ना, वो भी एक सर्कल मिलता है, क्या मिलता है, सर्कल मिलता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल, क्या आप कहते हैं उसको, डायरेक्टर सर्कल कहते हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली, अब अगर किसी दो लाइन को यानी कि पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन को अगर परपेंडिकुलर होना है, दोनों इक्वेशन को, दो लाइन को अगर परपेंडिकुलर होना है, तो कंडीशन क्या होती है, याद होगा आप लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, याद है ये जो इक्वेशन क्या होती है किसी भी पेयर ऑफ लाइंस की, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है, तो उसके अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज a और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज b, उनका सम क्या होता है, जीरो होता है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो क्या है, देखो इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, इसको जब मैं इसके साथ ओपन करूंगा तो x स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर को x1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट x1 स्क्वायर, क्या मिलेगा x1 स्क्वायर, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा y1 स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा अपन को, कोई विशेष y1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर के साथ, तो क्या मिलेगा, कोई विशेष माइनस a स्क्वायर, सही है, प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा हम लोगों को, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा, देखो इधर y स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x1 स्क्वायर के साथ, तो इसका कोएफिशिएंट मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, देखो y स्क्वायर का क्या मिला अपन को कोएफिशिएंट x1 स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिला अपन को y1 स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिला अपन लोगों को माइनस a स्क्वायर, सो भाई बात ये अपन को x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर से मिला है, x स्क्वायर का ये है और y स्क्वायर का भी ये है, इधर से अपन को क्या मिलेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देखो ये है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे x x1 का स्क्वायर तो क्या मिलेगा हम लोगों को x स्क्वायर इनटू x1 स्क्वायर, सही है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर से क्या मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस जब इसका मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को x
वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई वन का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, तो उसका क्वेश्चन क्या आ गया, वाई स्क्वायर का वाई वन। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, सिर्फ एक्स वन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या लिया हम लोगों ने, कंसिडर किया। ठीक है, ये इधर इधर भी प्लस आई बात समझ में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो एक एक्स वन स्क्वायर, ये एक्स वन स्क्वायर गया, ये एक वाई वन स्क्वायर, ये एक वाई वन स्क्वायर गया, क्या क्या बच गया, देखो ये एक्स वन स्क्वायर, ये वाई वन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या बचा अपने पास, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इज माइनस टू ए स्क्वायर, और वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू ए स्क्वायर। ये तो किस पॉइंट पे आया, एक्स वन वाई वन, अगर इसको जनरलाइज करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें जो इक्वेशन तो सेम रहती है, लेकिन रेडियस जो है, रेडियस जो है सेंटर सेम रहता है, लेकिन रेडियस जो है वो रूट टू टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट टू टाइम्स। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, रूट टू ए का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, रूट टू ए का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, रूट टू टाइम्स रेडियस। आई की नहीं आवाज सर, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम लोग रेडियस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी जो इक्वेशन है, ठीक है, उसकी जो इक्वेशन है उसमें क्या होता है, रेडियस जो है क्या हो जाता है, रूट टू टाइम्स हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्टर सर्कल, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, चांसेस ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक इज हाई। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। हम लोगों ने क्या देखा, एक पॉइंट और एक सर्कल का भी कंडीशन देखे, एक लाइन और एक सर्कल के भी कंडीशंस देखे। अब क्या देखेंगे कि दो अगर सर्कल साथ में है तो उसके बीच में कितनी कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो दैट इज पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग पहले से कुछ लिख लेते थे। देखो दो सर्कल मानेंगे, उनके C1 जो है, C1 C2 जो है उसके सेंटर्स होंगे, क्या होंगे, सर्कल के सेंटर, और R1 एंड R2 आर रेडियस, क्या होंगे उनके, रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं, केसेस क्या क्या हो सकते हैं जब दो सर्कल अकर करेंगे। तो पहला केस, केस फर्स्ट, पहला केस ये हो सकता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करे, टच करे। अगर सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करे, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल लिया और ये एक और सर्कल लिया, ये क्या हो रहे, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे, टच कर रहे। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये मान लो सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है, ये इसका सेंटर C1 है, ये इसका सेंटर C2 है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब भी सर्कल, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो सबसे पहली बात कि टेंजेंट्स कितने बनेंगे, क्या टेंजेंट्स कितने बनेंगे। तो देखोगे तो एक टेंजेंट तो यहां से बन जाएगा, ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट बनेगा,
दिस इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन टेंजेंट। और क्या टेंजेंट बन सकता है? जैसे मान लो मैंने एक आउटसाइड पॉइंट लिया है, ठीक है, और ये पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट जो है, ये दोनों सर्कल के टेंजेंट है। क्या है? दोनों सर्कल के टेंजेंट है ये, और सिमिलरली इस पे होगा टेंजेंट। ये थोड़ा अलग हो गया था, लेकिन ये दोनों सर्कल पे क्या आएगा? टेंजेंट जरूर आएगा, ठीक है, क्या आएगा? जरूर आएगा टेंजेंट। तो जो ये टेंजेंट बनते हैं, इन टेंजेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ठीक है, तो टोटल कितने टेंजेंट मिलेंगे अपन को? ये देखो एक, ये वो दो, और ये एक कॉमन टेंजेंट है तीन। तो एक कॉमन टेंजेंट और दो ट्रांसवर्स टेंजेंट हम लोगों को मिलते हैं। और यहां से कंडीशन अगर आप देखोगे, तो यहां से C1 और C2 की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी? दैट इज R1 प्लस R2। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1 है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, और इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक R2 है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, और ये दोनों मिलाकर ही क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो C1, क्या C1, C1, C2, C1, C2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो होगा R1 प्लस R2 के इक्वल। आई थिंक ये बस समझ, C1 और C2 की डिस्टेंस किसके इक्वल आएगी? R1 प्लस R2, दैट इज आवर फर्स्ट केस ऑफ पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, कितने टेंजेंट्स अकर हुए इसके अंदर? तीन, और C1, C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो उन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगी। ये हो गया पहला केस। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस है केस सेकंड। नेक्स्ट है कि सर्कल जो है वो एक दूसरे को टच ही ना करे। क्या करे? टच ही ना करे, वो बाहर ही हो। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, और क्या है? ये एक सर्कल है। ये हो जाए तब क्या होगा? ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है, ये इसका सेंटर C1 है, और ये इसका सेंटर C2 है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। और ये जो है, ये क्या आया? एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है। यानी कि जो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? R1 प्लस R2 से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? R1 प्लस R2। सो दिस इज द कंडीशन। और टेंजेंट्स कितने बनेंगे? टेंजेंट्स कितने बनेंगे? देखो ध्यान से, एक टेंजेंट यहां से बन जाएगा। देखो कट करते हुए इसको, ये टेंजेंट एक बनेगा, और एक टेंजेंट कैसा बनेगा? ये इसको टच करते हुए जाएगा। लाइन टेढ़ी हो गई, लेकिन समझ ले, ये टेंजेंट क्या करेगा? इसको टच करता हुआ जाएगा दोनों को। तो ये एक टेंजेंट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा दोनों में, और कॉमन टेंजेंट मिलेंगे वो इंटरनल कॉमन टेंजेंट हो गए। ये एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है। ये क्या हो गया? ये एस, इसको इधर से टच करते हो, इसको इधर से टच कर देगा एस। और सिमिलरली So, ये जो बाहर टेंजेंट्स बने हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स, और जो ये अंदर से बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कॉमन टेंजेंट। अगर एक्सटर्नल को देखोगे तो वो सेंटर के एक ही साइड में क्या है? टेंजेंट बन रहा है, लेकिन जो इंटरनल टेंजेंट है वो सेंटर के अपोजिट साइड बन रहे हैं। एक टेंजेंट सर्कल सेंटर के ऊपर है, और एक टेंजेंट जो सेंटर के नीचे बन रहा है। अरे ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हो गए कितने टेंजेंट्स। यहां पर कितने टेंजेंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को? फोर टेंजेंट्स। तो ये हो गया केस नंबर सेकंड, जिसके अंदर अपन को चार टेंजेंट मिलते हैं, और जो सी1 सी2 की कंडीशन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन r1 प्लस r2। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस जो है वो है
नेक्स्ट जो है गैस केस थर्ड है कि सर्कल जो है इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट करे मतलब कट करे, इंटरसेक्ट नहीं कट करे एक दूसरे को एट दो पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, टू पॉइंट्स पे सर्कल क्या करे कट करे एक दूसरे को, तब क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये है सर्कल फर्स्ट, ये है सर्कल सेकंड, दिस इज सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, ओके। सो यहां से यहां तक अगर आप जाओगे तो ये मिलेगा अपन को R1, और यहां से यहां तक जाएंगे हम लोग तो ये मिलेगा अपन को क्या, R2। यानी कि C1 जो C1 C2 की जो डिस्टेंस है ओके, उसमें क्या हो रहा है, ये बीच वाला देखो C1 से लेके C2 तक आप देखोगे तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जब R1 और R2 देखोगे, R1 में ये है, R2 में ये भी है, और R1 में ये और R2 में ये, तो देखोगे R1 प्लस R2 करेंगे ना तो ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ये दो बार आ गई। अरे कि नहीं आएगा समझ, यानी कि कौन ज्यादा होगा, R1 प्लस R2 जो है वो ज्यादा होगा, क्या होगा, R1 प्लस R2 जो है वो ज्यादा हो जाएगा इस केस में, तो C1 C2 जो है वो क्या होगा, विल बी लेस देन R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा less than R1 plus R2। आई बात समझ रहे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कंडीशन। देखो इसकी कंडीशन एक और बन सकती है R1 minus R2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं देखो रेडियस वन फर्स्ट है, ये R1 है और ये R2 है, R1 और R2 को मैं माइनस करूं तो क्या आ रहा है अपने पास, अपने पास आ रहा है देखो R1 में ये है, इसको अगर मैं यहाँ देखो ये, इसको मैं A बोलूँ, इसको B बोलूँ, इसको C, तो R1 के अंदर A plus B आ रहा है और R2 के अंदर B plus C आ रहा है, तो दोनों को मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा A plus C, क्या आएगा A plus C और A minus C, क्या आएगा A minus C। लेकिन C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो क्या है A plus B plus C है, यानी कि कौन ज्यादा हो गया C1 C2, यानी कि C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 minus R2 से ज्यादा होगी लेकिन R1 plus R2 से कम होगी। I think you have to, this is the condition। Tangents कितने मिलेंगे यहाँ पे? Tangents? देखो यहाँ tangent common tangent तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? Internal tangent भी कोई नहीं मिलेगा अपन को, लेकिन external tangent जरूर मिलेगा, ठीक है ना? External tangent जरूर मिलेगा। फिर समझिए ये एक्सटर्नल टेंजेंट और इधर से ये एक्सटर्नल टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। तो कितने टेंजेंट्स मिलेंगे, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। आई बात समझ में, तो ये हो गई बात केस नंबर थर्ड। नाउ वी हैव टू सी केस फोर, चौथा केस है। चौथा केस क्या कह रहा है कि जो दूसरा सर्कल है वो पहले सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीटली इनसाइड हो जाए, बट क्या करे वो इनसाइड से टच कर जाए उसको, ऐसा कुछ आई बस सर में ऐसा इनसाइड में टच कर जाए, तो देखो क्या कंडीशन है। टेंजेंट कितने मिलेंगे, दिख रहा है अपन को एक ही टेंजेंट है यहाँ पे, ये यही है कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल पे, तो टेंजेंट कितने मिल रहे, वन टेंजेंट, टेंजेंट हम लोगों को एक मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए C1 C2 के बीच की डिस्टेंस ये है यहां से यहां तक C1 और यहां से यहां तक है C2, सही है। तो ये अपना सेंटर है, ये है अपना सेंटर सेकंड, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो है R1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है R2। देखोगे अगर ध्यान से तो C1 C2 की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी, दैट इज R1 minus R2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा, सही है। तो यहां पर C1 C2
C2 के डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो केस 4 के अंदर क्या होगा कि सर्कल जो है इनसाइड हो, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के क्या हो, अंदर हो, बट एक पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो हम लोगों को कितने टेंजेंट मिलेंगे, वही एक जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पे अपन को एक टेंजेंट मिलेगा। और इसकी जो डिस्टेंस है C1 C2 की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी, R1 माइनस R2, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये C1 C2 बच जाएगा। ठीक है, तो C1 C2 क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, सो ये हो गई बात अपनी केस 4 की। नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो वो है केस नंबर 5, दैट इज द लास्ट केस, कि सर्कल जो है वो कंप्लीटली इनसाइड हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीटली इनसाइड हो जाए, यानी कि एक भी पॉइंट पर टच ना करे, तब क्या होगा। तो मान लो ये है सर्कल और ये सर्कल इसके अंदर आ जाए, ये सर्कल क्या आ जाए, इसके अंदर। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका सेंटर C1 लूं, इसका सेंटर C2 लूं, तो सर्कल तो एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, तो टेंजेंट तो हम लोगों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा अंदर है। क्या है, पूरा इनसाइड है, तो कॉमन टेंजेंट तो हम लोगों को कोई भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो नो टेंजेंट्स आ जाएगा यहाँ पे, एक भी टेंजेंट नहीं आएगा। आई बस समझ। अब C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस देखो, ये है C1, ये R1 होगा, ये हो जाएगा R2। ठीक है, R1 माइनस R2 करेंगे, उससे भी कम जो है वो क्या आएगा, C1 C2 आएगा। आई बस समझ। इस केस के अंदर C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आवर लास्ट केस, ये अपना आखिरी केस था। ठीक है, तो यही 5 केसेस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि किस केस के अंदर कितने टेंजेंट्स हम लोगों को मिल रहे थे और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल आ रही थी। तो इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। कुछ और टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स और बचे हैं, 10-15 मिनट के टॉपिक्स बचे हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर पाएंगे। सो अगले सेशन के अंदर हम लोग मिलते हैं टू कंप्लीट दिस टॉपिक चैप्टर। सॉरी, थैंक यू सो मच।